ऑप्शन देख रहे हो, बेस्ट पेयर, बेस्ट पेयर के ऊपर मेरा क्लिक है। बेस्ट पेयर का मतलब होता है कि अच्छे से अच्छा प्लान बिठाना। अच्छे से अच्छा प्लान बिठाना मतलब कि कोई भी डायमंड के अंदर आपको अगर सही प्लानिंग चाहिए, सही यानी कि क्या होता है, सरीन वैसे सही प्लानिंग देता है सब सारे पीस का, पर आपको मैक्सिमम यूज करना है किसी भी रफ डायमंड का, आपको मैक्सिमम यूज करना है, तो मैक्सिमम यूज करने के लिए आपको बेस्ट पेयर का यूज करना पड़ेगा। क्योंकि आप कोई भी डायमंड के अंदर देखोगे, आगे के ऑप्शन में देखा हमने बेस्ट ट्विन था, तो बेस्ट ट्विन में क्या होता है, सिमिलर वेट बताता है हमें, वो सिर्फ और सिर्फ ए पार्ट को कंसिडर करता है, यानी कि ए पार्ट के अंदर जो शेप आपने सिलेक्ट किया है वो ए शेप का ही डायमंड दोनों पीस के अंदर बताता है। यानी कि ए पार्ट के अंदर राउंड था तो दोनों के अंदर क्या हो गया, राउंड आ गया, ए पीस में भी राउंड आ गया और ए पीस में भी राउंड आ गया। तो मतलब यही है कि बेस्ट पेयर का मतलब होता है कि अच्छे से अच्छा प्लान बिठाओ और पार्ट ए को भी ध्यान में रखो और पार्ट बी को भी ध्यान में रखो। यानी कि ए पार्ट के अंदर जो शेप दिख रहा है वो भी देखेंगे, बी के अंदर दिख रहा है वो भी देखेंगे, दोनों को ध्यान में रखते हुए आपका प्लान होगा। शॉर्ट लाइन में ऐसा बताया है कि अच्छे से अच्छा अगर परसेंटेज चाहिए आपको कोई भी रफ डायमंड के अंदर से, मैक्सिमम परसेंटेज आपको यूज करना है, तो आप वहां पे बेस्ट पेयर का ही यूज करो। हाँ, फिर आपको जो शेप बिठाना है वो अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। आप शेप यहाँ पे देख सकते हो कि ए पार्ट के अंदर हमने राउंड किया है और बी पार्ट के अंदर फैंसी सिलेक्ट किया है, तो मतलब कि शेप आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, शेप के ऊपर कोई फिक्स नहीं है। जैसी जिसकी कंपनी और वहां पे जैसा शेप चल रहा है उसका मैन्युफैक्चरिंग जो जो शेप का है वो सारे शेप हम सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब कि कोई कुशन बना रहा है, कोई एम्ब्रॉयडर बना रहा है, कोई प्रिंसेस बना रहा है, कोई हार्ट शेप बना रहा है, कोई मार्किस बना रहा है, कोई ओवल शेप बना रहा है, डिपेंड है कि वो कौन से शेप चूज कर सकते हैं। हमने अभी एग्जाम्पल के लिए कुशन का डायमंड सिलेक्ट किया है और पार्ट ए के अंदर हमने राउंड का डायमंड सिलेक्ट किया है। यानी कि जब भी आप बेस्ट पेयर करते हो तो बेस्ट पेयर का मतलब ये होता है कि ए पार्ट के अंदर का जो शेप सिलेक्ट किया है और बी के अंदर जो शेप सिलेक्ट किया है दोनों शेप मेजर करेगा। पर बेस्ट पेयर क्या करता है, अच्छे से अच्छा परसेंटेज देता है। यानी कि हमें अभी रिक्वायरमेंट वही है, डायमंड इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा सरीन का यूज क्यों हो रहा है, क्योंकि हमें सारे के सारे पार्ट यूज करने हैं, तो यूज करना है तो उसमें से अच्छे अच्छे ऑप्शन भी हमें सीखने पड़ेंगे। तो आज का ऑप्शन है अपना बेस्ट पेयर, बेस्ट पेयर के ऊपर क्लिक करो तो आपका प्रोसेसिंग में थोड़ा टाइम लगेगा। क्यों, क्योंकि डायमंड पूरा एक एक कॉर्नर चेक करता है, यहाँ पे जाके चेक करेगा, यहाँ पे जाके चेक करेगा, इस कॉर्नर पे आके चेक करेगा, यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं, क्योंकि सरीन है, सरीन अभी सॉफ्टवेयर का नाम है, नहीं सॉफ्टवेयर का नाम नहीं है, सरीन कंपनी का नाम है, सॉफ्टवेयर का नाम है एडवाइजर। तो एडवाइजर जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर आपको जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं वो सारे ऑप्शन आप डीपली सीख सकते हो, बराबर। उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ जो ऑप्शन है उसका मेन यूज क्या है उसको ध्यान में रखना है। जैसे कि बेस्ट पेयर का ध्यान में रखने हुए, तो बेस्ट पेयर में क्या ध्यान रखना है कि आपको शेप सिलेक्शन करना है, कि आपको ए पार्ट चाहिए, ए पार्ट के अंदर जो शेप चाहिए, बी पार्ट चाहिए तो बी पार्ट के अंदर जो शेप चाहिए वो दोनों शेप सिलेक्ट करो और फिर आप बेस्ट पेयर के ऊपर क्लिक कर दो। तो ये दोनों चीज करने से आपको अच्छे से अच्छा और मैक्सिमम वेट मिल सकता है। आप देख सकते हो डिस्प्ले के अंदर आपको एक क्वेश्चन का डायमंड मिलेगा और एक राउंड शेप मिलेगा। क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहाँ पे, देख सकते हो कि 2 कैरेट 29 सेंट, यानी कि 2:30 के आसपास है, और एक है राउंड, राउंड कितना है, 7 सेंट का है। यानी कि मैक्सिमम परसेंटेज निकाला है। मैक्सिमम परसेंटेज कैसे मालूम पड़ेगा हमें, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने एमरल्ड शेप देखा था आगे बेस्ट विन करके, तो बेस्ट विन का आप टोटल परसेंटेज, यानी कि ये टोटल जो परसेंटेज है ये टोटल परसेंटेज कितना दिख रहा था आपको, यहाँ पे 49% है। मतलब कि टोटल परसेंटेज आपका 49 है, कौन से ऑप्शन में, बेस्ट ट्विन के अंदर।
अभी आप बेस्ट विन के अंदर 49% आ रहा है, वही सेम चीज अगर आप बेस्ट पेयर हमने क्लिक किया अभी, तो बेस्ट पेयर के अंदर हमें टोटल परसेंटेज दिख रहा है 55 55, यानी कि कितने परसेंट का गैप हुआ। एक गैप बहुत ज्यादा हो सकता है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो कि 49.72 और इसका टोटल हो रहा है 55.41, तो ये परसेंटेज ऐसे ही बढ़ सकता है। यानी कि बेस्ट पेयर जो मैप करता है वो अच्छे से अच्छे पार्ट, यानी कि अच्छे से अच्छा परसेंटेज मैप करता है। यानी कि बेस्ट पेयर एक लाइन में अगर बताना हो तो पॉलिश परसेंटेज और पॉलिश वेट, ये दोनों अगर अच्छा चाहिए तो आपको बेस्ट पेयर सिलेक्ट करना पड़ेगा।